देखिए नानी एकदम से पागल हो चुके हैं, वो अपनी दशहरा को पैन इंडिया हिट करा कर ही मानेंगे। जो आप इतने दिन से देख रहे थे नानी का प्रमोशन, वो तो बस टीजर ही था, असली और बड़े स्केल पर प्रमोशन तो अब चालू किए उन्होंने। और उससे भी कमाल की बात ये है, ये जो अब मेगा प्रमोशन चालू होगा दशहरा का, वो खासकर नॉर्थ इंडिया में किया जाएगा। आप देख ही सकते हैं आज सुबह नानी ने फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है, आज नवरात्रि शुरू हो गया और इसी के साथ आज से लेकर 30 मार्च तक वो लगातार इन सारे नॉर्थ इंडिया के सिटी में जाएंगे प्रमोशन के लिए, जिसमें से मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, नोएडा, नागपुर जैसे बड़े शहर भी शामिल है। और जो 29 मार्च को एक इवेंट होगा ना हैदराबाद में, वो सबसे बड़ा होगा, असल में प्री रिलीज इवेंट है। और ऐसा बोला जा रहा है वहाँ उस दिन स्पेशल गेस्ट ग्रुप में एक तेलुगु पैन इंडिया स्टार आ रहे हैं, अल्लू अर्जुन या प्रभास। और ज्यादा चांस प्रभास सर कहीं लग रहा है, क्योंकि इनको भी 30 मार्च को एक इवेंट करना है आदि पुरुष के लिए। सो देखते हैं भाई प्रभास और नानी कब एक साथ नजर आते हैं उस इवेंट में हमें। भाई साथ में आपको बता दूं, ये जो नानी 10 दिन का मेगा प्रमोशन प्लान किए हैं और ये सब प्रमोशन में जितना पैसा लगने वाला है वो सब नानी का ही खुद का करोड़ रुपया खर्च होगा। हाँ भाई, दशहरा के प्रोड्यूसर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, भैया अब हमसे नहीं होगा, जितनी हमारी हैसियत थी उतना हमने खर्च कर दिया पिछले 20 दिनों से प्रमोशन में, इसलिए अब प्रमोशन रोक दिया जाए। लेकिन अपने नानी जी बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो अब सारा फिल्म का प्रमोशन का जिम्मा खुद के सर ले लिए हैं। देखिए तो होना ही था एक दिन। वैसा ही SLV सिनेमा एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी है, इनको दशहरा का 65 करोड़ बजट जुटाने में भी हालत खराब हो चुका है और ऊपर से ये दशहरा का बड़ा प्रमोशन अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नानी को आगे आना पड़ा। सो देखते हैं नानी 10 दिन तक नॉर्थ इंडिया में किस प्रकार का प्रमोशन करते हैं। वैसे आप जान लीजिए कल ही मुंबई आ चुके हैं नानी, सबसे पहले ये ऑटो पर प्रमोशन किए, फिर वह शरद केलकर के साथ मुंबई के सड़कों पर नजर आए हैं बड़ा पाव खाते हुए। यानी कि भैया नानी का पूरा फोकस हिंदी ऑडियंस पर ही है, वो जानते हैं हिंदी ऑडियंस किस फिल्म का इंडस्ट्री और हीरो नहीं सिर्फ फिल्म का कंटेंट देखती है। और ये भी वो चाहते हैं उनकी दशहरा यहाँ पुष्पा KGF जैसा 200-300 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो और नानी भी पैन इंडिया की दुनिया में न्यू सुपरस्टार बन जाए। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।